2024 लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने संभावित उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अखिलेश यादव ने 18 नाम फाइनल किए। इसमें कन्नौज लोकसभा से अखिलेश यादव एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। वहीं आजमगढ़ लोकसभा सीट से शिवपाल यादव सपा से प्रत्याशी हो सकते हैं। फतेहपुर लोकसभा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव लड़ेंगे। कौशाम्बी लोकसभा सीट से इंद्रजीत सरोज को सपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट से एक बार फिर डिंपल यादव चुनाव मैदान में उतरेंगी। घोसी लोकसभा से समाजवादी पार्टी राजू राय को अपना प्रत्याशी बना सकती है। बस्ती लोकसभा सीट से रामप्रसाद चौधरी को सपा इस बार टिकट दे सकती है। सलेमपुर लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी को सपा चुनाव मैदान में उतारेगी। मुरादाबाद लोकसभा सीट से सपा अपने वर्तमान सांसद डॉक्टर एस टी हसन पर दांव लगा, जबकि लखनऊ लोकसभा सीट से रविदास मल्होत्रा को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। वहीं गोरखपुर लोकसभा सीट से काजल निषाद को सपा टिकट दे सकती है, जबकि बदायूं लोकसभा से धर्मेंद्र यादव एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरेंगे। अयोध्या लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद चुनाव लड़ सकते हैं। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से लालजी वर्मा को सपा अपना प्रत्याशी बना सकती है। उन्नाव लोकसभा सीट से अन्नू टंडन को सपा अपना उम्मीदवार बना सकती है, जबकि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर नवल किशोर साह को सपा अपना प्रत्याशी बनाएगी। वहीं फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अक्षय यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे। यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर